हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडी सांड। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल जगह पे आए हैं और ये जो जगह है ना, इससे काफ़ी यादें जुड़ी हुई है हमारी। राजू चूरचूर नान हमारे चैनल की सेकंड वीडियो थी, राजू चूरचूर नान, जब इनकी रेडी थी, कोई ब्रांच नहीं थी। बट अब देखिए, मतलब इतना प्रोग्रेस हुआ है कि एक नहीं, चार पाँच ब्रांचेस तो मैं देख चुका हूँ। बाकी अंदर चल के बातें भी करेंगे कि और कितनी ब्रांचेस इन्होंने खोली हैं अभी पूरी दिल्ली में। मैं द्वारका में देख चुका हूँ, मैं रोहिणी में देख चुका हूँ, मतलब द्वारका में तो दो दो दिख चुकी हैं। ये द्वारका की सेकंड ब्रांच है इनकी, जो कि एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो द्वारका सेक्टर 12 है ये। अगर आप मेरे लेफ्ट साइड जाते हैं तो आपको मिलेगा बाल भवन स्कूल, बिल्कुल साथ में ही है। और मेरे राइट साइड है बाल भारती स्कूल। तो ये दोनों स्कूल के बीच में ये पड़ता है। और सामने का बताऊं तो एक इलाहाबाद बैंक हमारे सामने है, मतलब आसानी से मिल जाएगा। बाल भवन स्कूल काफ़ी फेमस है पूरे द्वारका में। अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो हम डिस्क्रिप्शन में गूगल एड्रेस दे देंगे। तो चलिए चलते हैं राजू चूरचूर नान का। और पहले मैं आपको मेन्यू दिखा दूँ एक बार यहाँ का। तो ये देखिए, ये है यहाँ का मेन्यू। जब हमने रेडी पे कवर करा था इनका, तब इनकी चूरचूर नान की थाली थी 130 रुपीज़ की। अब है ये 150 रुपीज़। तो एक साल में 20 रुपये ज़्यादा बढ़ गए हैं। बट देखते हैं क्या वही टेस्ट, वही क्वालिटी हमें मिलेगी जो पहले हमें मिली थी। चलिए आइए चेक करते हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे ये है हमारा चना मसाला। ये देखिए क्या बात है, और ऊपर अमूल क्रीम दिख रही है आपको, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। दाल मखनी ओके। शाही पनीर सर, शाही पनीर है ओके। और फिर आता है तो रायता। दोस्तों यहाँ का रायता मुझे बहुत पसंद आया था, पिछले साल भी बहुत गाढ़ा रायता था। आपका मतलब? और फिर आता है बटर, और बटर सर अमूल यूज़ होता है यहाँ पर सारा, सिर्फ अमूल यूज़। चटनी ये आपके मिक्स वेज है, मिक्स वेज हाँ जी, जो कि थाली में देते हैं जी सर। और ये अचार ओके, मिक्स अचार है, आप देख सकते हैं गाजर मिर्च वगैरह सारी चीज़ें एडेड है इसमें। बाकी दोस्तों काफ़ी मेंटेन लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पर लेफ्ट साइड आप आते हैं तो उधर हमारे नान बन रहे हैं, जिसमें अगर आप चूरचूर नान लेते हैं तो ड्राई फ्रूट्स देखिए आप, काजू किशमिश पनीर धनिया, मतलब हर चीज़ चल रही है इसमें, आप देख सकते हैं कसूरी मेथी। तो चलिए अब अपनी प्लेट लगवाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है, पिछले साल वाला टेस्ट है या फिर क्या डिफरेंस आता है, वो भी बताएंगे हम आपको। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे स्टफिंग है सर, अब क्या क्या ऐड करते बताएंगे कोई स्टफिंग में? हाँ जी, आलू गोभी प्याज पनीर सारा मिक्स होता है। आलू गोभी प्याज पनीर सब मिक्स होता है ओके। ये चूरचूर नान की स्टफिंग है ओके। तो दोस्तों हर चीज़ आपको मिलने वाली है इस चीज़, स्पेशल जो चूरचूर नान है ना, सच में स्पेशल ही है यहाँ पे, क्योंकि उसमें हर चीज़ आपको मिलने वाली है, चाहे वो आलू हो, प्याज हो या पनीर हो। बाकी आ गया हमारा आटा, जैसे प्याज। सर ये आटा जो है पूरा मैदा यूज़ होता है, फिर मिक्स है आटे मैदा का? मिक्स होता है इसमें आटा बेसन सूजी, आटा बेसन सूजी सारा मिक्स होता है। अच्छा, प्योर मैदा नहीं है। तो अब बनेगी हमारी स्टफिंग, देख सकते हैं आप, पूरा दिखाएंगे आपको कितनी क्वांटिटी में अंदर स्टफिंग होती है सब कुछ। क्या बात है दोस्तों, बहुत यादें जुड़ी हुई है इस शॉप से मेरी। जब रेडी थी ये पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म में, 10-11 बंदे जब काम करते थे, राजू चूरचूर नान भाई अलग ही लगता था वो। भीड़ में कुछ भी कमी नहीं आई है। ये सेकंड ब्रांच है सर, कितना टाइम हो गया ब्रांच को खुले हुए? 50 दिन हुए हैं ओके, 2 महीने के आसपास होने वाले हैं। तो ये देखिए स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलिए जब हमारे नान तंदूर में डलते हैं तब आपको दिखाते हैं। दोस्तों अब ये देखिए, ये हमारे नान यहाँ पे गूंद रहे हैं, आप देख सकते हैं, और पूरा बेलन से अच्छी तरह फ्लैट कर दिया सर ने। और अब ये बनेगा पूरा गोलेदार जो बनते हैं यहाँ पे चूरचूर नान स्पेशल, लच्छा परांठा टाइप में। ये देखिए क्या बात है यार, सब्जियों की खुशबू बहुत ही नज़र आ रही है, और साइड में ही ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह इतने सारे रखे हुए हैं कि बस कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे किसी के लग रहे हैं चूरचूर नान, और भाई ऊपर देखो आप नान के, मतलब मक्खन ड्राई फ्रूट्स हर चीज़ भर के पूरा क्रश करके, भाई गजब स्वाद आने वाला है, यादें ताज़ा होंगी अपनी। तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं जब हमारे नान निकलते हैं तो कैसे क्या क्या डलेगा उसके ऊपर, पूरी प्लेट दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों आप देखेंगे ये हमारी प्लेट लग रही है, जिसमें रायता डल चुका है, प्याज, ये चटनी,
और ये मिक्स वेज यहाँ की, जिसके ऊपर सबने पनीर डाल रखा है और शाही पनीर, और फिर आ गई हमारी दाल मखनी और ये ऊपर से अमूल क्रीम। और सर अगर किसी को छोले लेने हो तो रिफिल में ले सकते हैं। रिफिल में ले सकते हैं, ओके। कितने बार रिफिल कर सकते हैं? एक बार रिफिल है। एक बार रिफिल है, ओके। बटर डल गया, अमूल बटर, ये ऊपर से पनीर। सर पनीर कौन सा यूज़ करते हैं? पनीर तो सर मथुरा साइड से। अच्छा, मथुरा साइड से डेयरी का पनीर मतलब, और काफ़ी बढ़िया भी लग रहा था। ये ऊपर से चुकंदर और मेथी रेडी होगी, प्लेट रेडी होगी। और उस साइड लगेंगे हमारे नान, आपको दिखाते हैं चूर चू नान भाई नॉर्मल है कैसे लगने वाले हैं यहाँ पे, आपको क्या क्या डलने वाला है उसके ऊपर, वो उस सब आपको दिखाने वाले हैं हम। इधर नान हमारे आ चुके हैं काफ़ी, तो चलिए जैसे ही ये रेडी होते हैं इसकी प्रिपरेशन दिखाते हैं आपको ऊपर क्या क्या डलने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे नान बन रहे हो, नान तो बन चुके हैं, उसके ऊपर बटर लग चुका है, ये पनीर, ये देखिए चुकंदर मेथी, काजू, किशमिश और ये ऊपर से बटर, अमूल बटर बहुत सारा। क्या बात है भाई, और अरे अब जाएगा पूरा टूटने के लिए, क्रश हो जाएगा पूरा। ये देखिए भाई, मैंने पिछली बार भी इनसे पूछा था कि अभी हाथ नहीं चलते, कह रहे सर अब तो आदत पड़ चुकी है। और ये देखिए कितनी यमी लग रही है यार ये प्लेट, बहुत यमी लग रही है। पिछली बार जब हमने लिया था तो हमें सिंगल प्लेट में और हमें दोने में दिया था सब्ज़ी वगैरह पर, लेकिन अब जो एक खांचे वाली है प्लेट स्टील की वो यूज़ होने लग गई है यहाँ पे। तो चलिए थोड़ी फोटो शूट करते हैं और वापस आते हैं। तो दोस्तों अब आप देखेंगे हमारी स्पेशल चूर चू नान थाली आ चुकी है, जिसकी प्राइस हमें पड़ी 150 रुपीज़, पिछले साल 130 रुपीज़ की थी, बट मैं 20 रुपये इसलिए कंसिडर कर सकता हूँ क्योंकि अब आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं इंटीरियर जैसे शॉप का, तो आप बैठ के भी खा सकते हैं आराम से, और गर्मियों में यहाँ पे पंखा वगैरह भी लगाते हैं, तो 20 रुपये में वहाँ मान सकता हूँ। बाकी प्लेट्स में भी फ़र्क आया तो यहाँ लग सकते हैं 20 रुपये। तो चलिए अब आते हैं टेस्ट कर पे नान। देखिए भाई बटर पूरा आपके सामने भर के डाला था, ये पूरा मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं ऊपर पनीर और मतलब ड्राई फ्रूट्स, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने ऐड कर रखी है। 5 मिनट हो गए हमें फ़ोटोशूट में, फिर भी क्रिस्पी है नान और गर्म गर्म है। बीच के पार्ट जो है रोल वाला, जो सर ने लच्छा परांठा का जैसे बनाया था, ये यहाँ का सॉफ्ट है बट ऊपर का क्रिस्पी है भाई, गरम गरम है यार, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए पहले हम लेते हैं शाही पनीर के साथ, ये देखिए पनीर सॉफ्ट है, मतलब देख सकते हैं प्लास्टिक की चम्मच टूट गया अगर, बस एक ये और था, अगर यहाँ पे स्टील की चम्मच होती तो और ज़्यादा बढ़िया लगता मुझे। वही टेस्ट, हल्का सा मिठासपन जो पनीर में होना चाहिए वो था, पनीर क्रीम से इतना सॉफ्ट हो चुका है। पहले ही पनीर की ग्रेवी आप देखिए कितनी सॉफ्ट ग्रेवी लग रही है, और कलर हल्का सा ऑफ हो चुका है क्योंकि इतनी सारी इन्होंने क्रीम और पनीर ऐड कर दिया है, जो कि टेक्सचर को और स्मूथ बना रही है। मैं एक और बालू पनीर के साथ, और अब लेंगे ड्राई फ्रूट्स भी साथ में। ये देखिए चुकंदर, धनिया, कसूरी मेथी, मैं ग्रेवी के साथ लेता हूँ सर, आपको भी पता चलेगा कि नान के ऊपर ग्रेवी बैठ रही नहीं बैठ रही, आप देख सकते हैं कितनी डेंस है। बढ़िया भाई, मतलब पूरी दिल्ली में सबसे फेमस चूर चू नान शायद ये हैं, और ऐसे ही नहीं है, एक रीज़न है, उसी वजह से है। यहाँ का टेस्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी सब बहुत बढ़िया लगी मुझे, प्राइस भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, जैसा कि इन्होंने अपनी शॉप के बाहर लिख ही रखा है, हाइजीन, क्वालिटी और क्वांटिटी, तीन फैक्टर, और सच में तीनों में स्टैंड कर रहा है। अब आते हैं हम गर्मा गर्म दाल मखनी पे, ये देखिए बटर हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह, ये देखिए दोस्तों दाल मखनी में बटर इतना ज़्यादा ऐड हो चुका है कि जो भी मिर्च वगैरह थी ना बहुत ही कम लगने वाली है आपको, तो अगर आप स्पाइसी लवर नहीं है तो दाल मखनी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है।
मुझे लग रहा है ज़्यादा बटर डालना भी कभी कभार थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क कर देता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बटर ऐड हो चुका है ना कि सॉफ्ट हो गया दाल मखनी काफ़ी, पर टेस्ट बहुत बढ़िया लग रही है। एक और बार लेंगे दाल मखनी। ये देखिए भाई नान, तो भाई बटर में भीगे पड़े पूरे, पनीर जाएंगे। नान ना ऐसे हैं कि अगर आपको सब्जी की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही थिक है, बीच में देखेंगे स्टफिंग बहुत ही बढ़िया होती है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता कि कहीं से पैसे बचाने की कोशिश की जाए, तो ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है यहाँ पे। आइए मिक्स वेज पे आते हैं। अरे सब्जी खा लोगे इसकी? ये देखिए भाई पकड़ रहा, थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि खुल रहा है नान। आलू आया मिक्स वेज जो है यहाँ पे, मेरे लिए आपकी आलू गोभी की सब्ज़ी है और सॉफ्ट आलू है काफ़ी। गोभी किस टाइम देखते हैं, काफ़ी बढ़िया मसालों से भरी बढ़िया आलू की सब्ज़ी और ये मिक्स वेज की सब्ज़ी। आइए रायता भी ट्राई करते हैं यहाँ का। ये देखिए गाढ़ा रायता है दोस्तों काफ़ी, अंदर बहुत कुछ ऐड हो रखा है सब्ज़ियाँ वगैरह। ओके अंदर गाजर ऐड है, अंदर धनिया ऐड है, गाजर धनिया बूंदी और काला नमक का मुझे स्वाद आ रहा है, वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये है यहाँ की थाली, स्पेशल थाली 150 रुपये की चूरचूना थाली, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। अचार भी है इनका बट, और दिखाएँ आपको गुड़ भी देंगे और रिफ़िल हो सकती हैं एक एक बार आप जितने मतलब जो भी आप सब्ज़ी चाहें, छोले भी हैं, तो टोटल है 4 सब्ज़ियाँ। अब आपकी मर्ज़ी आप कौन से लेना चाहते हैं। तो चलिए मैं एक बार फिनिश करता हूँ और आपको शॉप की टाइमिंग बताता हूँ। तो दोस्तों राजू चूचू नान शायद दिल्ली में सबसे फेमस नान होंगे, एक लेजेंडरी माना जाता है, मतलब लेजेंडरी नाम है अगर आपको चूचू नान नान खाने हैं तो, और लिटरली इन्होंने मेंटेन कर रखे हैं वैसा। और इस शॉप की मैं आपको टाइमिंग बता दूँ एक बारी, तो सुबह 9 बजे खुलती है और शाम को रात को बल्कि 10-11 बजे तक ये बंद होती है। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर आप तीनों चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं आराम से, और 7 दिन अवेलेबल है, किसी भी दिन ये छुट्टी नहीं करते हैं। और अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए तो आपको इस कॉन्टैक्ट पर कॉल करना पड़ेगा इस वाली ब्रांच के लिए, अगर आप सेक्टर 12 से पास रहते हैं तो ये आपको जल्दी डिलीवर कर देंगे। बट इनकी जो मेन ब्रांच है वो स्विगी और जोमेटो से लिंक है। तो ये है राजू चूचू नान। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। बाकी पेमेंट मोड्स यहाँ पे काफ़ी सारे, पेटीएम वगैरह सब एक्सेप्ट करते हैं, कैश भी चलता है यहाँ पे, कार्ड नहीं चलता है यहाँ पे। तो फिर मिलते हैं आपसे एक बहुत अच्छी वीडियो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।